हेलो फ्रेंड्स, टैली ईआरपी 9 में आज हम प्राइस लिस्ट सीखेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली का एक फ्रंट पेज दिया है। प्राइस लिस्ट यानी कि अगर डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर्स के लिए आपने प्राइस लिस्ट अलग से मेंशन की है, उसको आपको टैली में इनबिल्ट सेटअप करना है, उसके लिए ये होता है। यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दिया है, प्राइस लिस्ट फॉर ओल्ड कस्टमर, पुराने जो कस्टमर है उसके लिए यहाँ पर प्राइस लिस्ट डाला गया है। आइटम है यहाँ पर, एज दी है, डिस्काउंट अमाउंट दी है, ये सारी डिटेल आपको दी हुई है। आपको इसमें से सबसे पहले दिया है आईबॉल, आईबॉल में कंपनी नेम है और आइटम नेम दिया है आपको माउस और कीबोर्ड। ये दोनों आइटम जो ओल्ड कस्टमर के लिए उसके कुछ प्राइजेस डिसाइड किए हुए हैं। उसी तरह से आपको प्राइस लिस्ट फॉर न्यू कस्टमर दिया हुआ है, जिसमें आइटम, एज, डिस्काउंट, डिस्काउंट परसेंटेज रेट और यहाँ पे जो आइटम नेम है एलजी एलसीडी, वो न्यू कस्टमर के लिए भी आपको यहाँ पे रेट्स डिफाइन करे हैं। तो इस तरह से हमें इनके ऊपर वर्क करके टैली में इनको इनबिल्ट सेट करना है। अभी हम टैली में मूव करेंगे। सबसे पहले हमें प्राइस लिस्ट ऑप्शन को एक्टिवेट करने के लिए F11 में इन्वेंटरी फीचर्स में जाना रहेगा। इन्वेंटरी फीचर्स में आपको यहाँ पर सेल्स मैनेजमेंट ऑप्शन दिया है। सेल्स मैनेजमेंट में आपको दिया है यूज़ मल्टीपल प्राइस लेवल, यूज़ मल्टीपल प्राइस लेवल को यस करना है। कंपनी प्राइस लेवल ऑप्शन आपके सामने ओपन होगा, जो हमने दो ऑप्शन बनाए हैं, ओल्ड कस्टमर और न्यू कस्टमर, वही कंडीशन हम यहाँ पर डालेंगे। फर्स्ट हमने डाला ओल्ड कस्टमर और सेकंड हमने डाला न्यू कस्टमर्स के लिए। इस तरह से हम दो ऑप्शन डाल के इस विंडो को एक्सेप्ट करवा देंगे। आप देख सकते हो हमने दोनों को डाल के एक्सेप्ट करवा दिया। इन्वेंटरी फीचर्स को भी हम यहाँ से एक्सेप्ट करवा देंगे। अभी हम एस्केप करके बाहर आ जाएंगे गेटवे ऑफ टैली पे। यहाँ पे हम सबसे पहले मास्टर्स में जाएंगे, इन्वेंटरी इन्फो। इन्वेंटरी इन्फो में आपको दिखा रहे हैं प्राइस लिस्ट, पर ये ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो रहा है। इसको हाईलाइट करने के लिए सबसे पहले हमें स्टॉक आइटम क्रिएट करनी रहेगी, उससे पहले हम स्टॉक ग्रुप क्रिएट करेंगे। स्टॉक ग्रुप पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको दिया है स्टॉक ग्रुप क्रिएट, क्रिएट पे क्लिक कीजिए और हम यहाँ पर स्टॉक ग्रुप क्रिएट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक का ग्रुप। जो हमने परचेस की है वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, यानी कि जो कस्टमर, ओल्ड कस्टमर के लिए प्राइस लिस्ट बनाई है वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम की है, फर्नीचर की है, जो भी है, आप यहाँ पे स्टॉक ग्रुप क्रिएट कर सकते हो। जैसे हमने इलेक्ट्रॉनिक और फर्नीचर का स्टॉक ग्रुप क्रिएट करा। उसके बाद हम यूनिट ऑफ मेज़र में जाएंगे। स्टॉक आइटम के लिए हमें यूनिट ऑफ मेज़र भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो हम यूनिट ऑफ मेज़र क्रिएट करेंगे। ये जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है उसको किस तरह से काउंट करना है, तो यूनिट ऑफ मेज़र में हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे। इस तरह की यूनिट ऑफ मेज़र क्रिएशन बॉक्स ओपन हो जाएगा, जिसमें सिंबल में हम नंबर्स डालेंगे, फॉर्मल नेम में हम फुल नेम डालेंगे। अभी हम इसको एक्सेप्ट करवा देंगे। एस्केप करके हम स्टॉक आइटम में आएंगे। स्टॉक आइटम पे हम सिंगल स्टॉक आइटम को क्रिएट करेंगे। अभी हम यहाँ पर स्टॉक आइटम बना रहे हैं आईबॉल, आईबॉल कंपनी का जो हमने माउस परचेस किया है, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं आईबॉल माउस। जो यहाँ पे आपको प्राइस लिस्ट में दिया है, हमने जो प्राइस लिस्ट बनाई है, उसके बाद अंडर ग्रुप इलेक्ट्रॉनिक आइटम और यूनिट ऑफ मेज़र में हम नंबर सिलेक्ट करके इस आइटम को एक्सेप्ट करवा देंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम बनाएंगे आईबॉल। उससे पहले सिचुएटरी एंड टैक्सेशन में हम अनेबल वैल्यू एडेड टैक्स में यस कर देंगे। सेट अल्टर वैल्यू एडेड टैक्स में भी यस करके वेट डिटेल्स में हम डिटेल्स फिलअप करके एक्सेप्ट करवा देंगे। जो हम आगे के ट्यूटोरियल में पढ़ गए थे वही वाली डिटेल हम एक्सेप्ट करवाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे जो हमने नेक्स्ट आइटम की प्राइस लिस्ट बनाई थी, यानी कोटेशन है हमारे पास, वो डालेंगे आईबॉल का कीबोर्ड। तो हम यहाँ पर नेम में आईबॉल कीबोर्ड डाल रहे हैं। अंडर ग्रुप हमें यहाँ पर आईबॉल का कीबोर्ड है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, तो हम अंडर ग्रुप में भी अगेन इलेक्ट्रॉनिक आइटम सेलेक्ट करेंगे। लिस्ट ऑफ ग्रुप इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और यूनिट ऑफ मेज़र में नंबर सेलेक्ट करके एक्सेप्ट करवा देंगे। इस तरह से हमने नेक्स्ट बनाना है एलजी एलसीडी।
यानी नेक्स्ट वाली आइटम, वो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, यूनिट ऑफ मेजर में नंबर्स, अभी हम इसको भी एक्सेप्ट करवा लेंगे। अभी हमने यहाँ पर स्टॉक आइटम क्रिएट कर दी, एस्केप करके हम बाहर आ जाएंगे गेटवे ऑफ टैली पे। उसमें आपको यहाँ पर स्टॉक ग्रुप भी दिए हैं, अगर आपको स्टॉक ग्रुप भी बनाने हैं तो आप बना सकते हो। उसको देखना है तो हम यहाँ से डिस्प्ले और अल्टर, अल्टर में हम चेंजेस कर सकते हैं और डिस्प्ले में हम देख सकते हैं। आप देख सकते हो हमने अल्टर ओपन किया था तो हम उसके अंदर चेंजेस कर पा रहे थे, अगर डिस्प्ले करेंगे तो हम इसके अंदर चेंजेस नहीं कर पाएंगे, सिर्फ उसको देख पाएंगे। इस तरह से हमने इन्वेंटरी इन्फो, वेट कमोडिटी और लिस्ट ऑफ स्टॉक ग्रुप यहाँ पे आपको दिए हैं, जो हमने बनाए हैं न्यू कस्टमर और ओल्ड कस्टमर के लिए। उसमें हम ऑल पे क्लिक करके एंटर देंगे। न्यू कस्टमर के लिए जो हमारी प्राइस लिस्ट है, हमने न्यू कस्टमर के लिए प्राइस लिस्ट डाली है LCD, यानी LG की LCD के लिए। तो हम यहाँ से LG की LCD वाली स्टॉक आइटम सेलेक्ट करेंगे जो हमारी ट्रांजेक्शन में दिया है न्यू कस्टमर। जो LG LCD है, यहाँ पे आपको एज दी है 9500 0 to 20 years के लिए, निल डिस्काउंट, यानी डिस्काउंट तो नहीं देना है। तो हम ये कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन हम प्राइस लिस्ट में डालेंगे। अभी हम टैली में मूव करते हैं, जो हमारी फर्स्ट कंडीशन है उसको एंटर करने के लिए यहाँ पे आपने LG LCD लेस देन 20 यानी 20 साल से पहले का है अमाउंट डाल दी 9500। अगर डिस्काउंट नहीं है तो उसको स्किप करिए। और सेकंड, फ्रॉम 20 to 50 years के लिए अमाउंट सेम, और परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट 6% है, और 50 से मोर देन के लिए भी 9500, और डिस्काउंट रेट हमने डाला है 10%। और हम इसको एंड लिस्ट करेंगे क्योंकि न्यू कस्टमर के लिए हमने सिर्फ एक ही कंडीशन डाली हुई है, एक ही प्रोडक्ट डाला हुआ है इसके लिए। अभी हम एंड लिस्ट करेंगे, ये डिटेल्स एक्सेप्ट करवा देंगे। अभी ओल्ड कस्टमर के लिए अगेन हम यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक आइटम सेलेक्ट करेंगे फॉर ओल्ड कस्टमर और एंटर कर देंगे। लिस्ट ऑफ आइटम में हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे आईबॉल का कीबोर्ड जो हमने परचेस किया था। अभी हम उसकी कंडीशंस सारी अप्लाई करवाएंगे। आपको यहाँ पर ओल्ड कस्टमर के लिए आईबॉल का जो कीबोर्ड है या आईबॉल का माउस है, आपको सबसे पहले माउस दिया है तो हम आईबॉल का माउस जो है उसकी डिटेल एंटर करेंगे। जैसे यहाँ पर 0 to 20 year के लिए 6500 नेल डिस्काउंट है, 20 to 50 years के लिए 5% है, और अबोव 50 10% है। तो हम यहाँ पे ओल्ड कस्टमर के लिए LG का माउस 20 से अमाउंट आपको दी है, अमाउंट हम यहाँ पे एंटर करेंगे 6500। डिस्काउंट रेट नहीं है तो हम उसको निल रखेंगे। और सेकंड 20 to 50 है, 6500 रेट हम यहाँ पर डालेंगे 5%, और सॉरी 6%, और 50 से ज़्यादा के लिए 10%। इसी तरह से नेक्स्ट हम डालेंगे आईबॉल का कीबोर्ड, उसके लिए भी हमने यहाँ जो कंडीशन दी है हमारे एग्जांपल में वो डालेंगे 20 up to 20 है, तो हम यहाँ पे रेट 10,000 और रेट ऑफ डिस्काउंट 3%, 20 to 50 10,000 रेट और डिस्काउंट हम डालेंगे यहाँ से 5%, और अबोव 50 है तो हम यहाँ से डालेंगे 10%। अभी हम ये विंडो को भी एक्सेप्ट करवा के बंद कर देंगे। ये हमने स्टॉक आइटम ग्रुप्स को प्राइस के साथ में मेंशन कर दिया। अभी हम अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे। अकाउंटिंग वाउचर में हम सबसे पहले सेल्स यानी F8 की पे क्लिक करेंगे तो इस तरह की सेल्स वाउचर ओपन हो जाएगी, जिसमें हमने पेमेंट कैसे किया है वो पार्टी का नाम नहीं दिया है, ओल्ड कस्टमर और न्यू कस्टमर दिया है। तो हम एक एग्जांपल पढ़ेंगे। यहाँ पे मिस्टर राम सोल्ड द फॉलोइंग आइटम टू मिस्टर जे के बत्रा न्यू कस्टमर। आपको यहाँ पे बता रहा है कि न्यू कस्टमर को मिस्टर राम ने गुड्स सोल्ड किए हैं नीचे दिए गए आइटम क्वांटिटी रेट डिस्काउंट वैल्यू और आउटपुट वेट
दिया हुआ है आपको। जो एलजी की एलसीडी है हमने वो मिस्टर जे के बत्रा को सेल की है, तो अभी हम टैली में इस ट्रांजैक्शन को पास आउट करेंगे जो हमें दी गई है न्यू कस्टमर के लिए। जो न्यू कस्टमर का हमने प्राइस लिस्ट एंटर कर दिया है उसी को हमें फॉलो करना है। रेट यहाँ पे दिया है 9500, क्वांटिटी है 20, डिस्काउंट है 4%, वैल्यू हो जाती है 1,90,000 और आउटपुट वेट उस पर 4% लगा के निकलता है 7,600। तो अभी हम उसको ट्रांजेक्शन को पास करेंगे। सबसे पहले हमें लेजर बनाना रहेगा मिस्टर जे के बत्रा जिनको हमने सेल किया है, तो हम यहाँ पे पार्टी नेम में ऑल्टर सी करके डायरेक्ट लेजर बनाएंगे मिस्टर जे के बत्रा, क्योंकि हम उनको सेल कर रहे हैं यानी कि सन्ड्री डेटर्स होते हैं। तो हम यहाँ से सन्ड्री डेटर सेलेक्ट करेंगे अंडर ग्रुप में से और हम इस ट्रांजेक्शन को एक्सेप्ट करवाएंगे। उससे पहले आपको यहाँ प्लेस ऑफ लेवल न्यू कस्टमर सेलेक्ट करेंगे। न्यू कस्टमर सेलेक्ट करके हम उसको एक्सेप्ट करवा देंगे। डिस्पैच डिटेल अगर आपको फिलअप करनी है करिए, अदरवाइज उसको स्किप कर दीजिए। सेल्स लेजर में हम यहाँ से सेल्स लेजर बनाएंगे ऑल्टर सी करके, सेल्स अकाउंट अंडर ग्रुप सेल्स अकाउंट यूज्ड वेट रिटर्न हमें यहाँ से यस देना है, हम यस देंगे। सेल्स एट द रेट 4%, हम यहाँ से उसको 4% एप्लीकेबल करेंगे और वेट बेस्ड ऑन वैल्यू सेलेक्ट करके एक्सेप्ट करवा देंगे। अभी हमने जो गुड्स सेल किया है यानी एलजी एलसीडी उसकी अमाउंट डालेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि आपको यहाँ पे 4% डिस्काउंट दिया है इसीलिए हमने सेल्स एट द रेट 4% लिया था। अभी हम यहाँ पे एलजी की एलसीडी का अमाउंट डालेंगे, क्वांटिटी डालेंगे 20 क्वांटिटी। नेगेटिव स्टॉक बता रहा है क्योंकि हमने स्टॉक परचेस नहीं किया है इसके लिए। क्वांटिटी हमने 20 डाली, रेट 9500 डाला, तो ऑटोमेटिकली आपको अमाउंट कैलकुलेट करके दिखा रहे हैं। एंटर करोगे सेल्स है, आउटपुट वेट डालना रहेगा, तो हम यहाँ पे आउटपुट वेट एट द रेट 4% अंडर ग्रुप ड्यूटीज एंड टैक्सेस में डालेंगे। अनेबल ड्यूटी टाइप टैक्स में वेट सिलेक्ट करेंगे और सब वेट में आउटपुट वेट एट द रेट 4% सिलेक्ट करेंगे। राउंडिंग मेथड में नॉर्मल राउंडिंग सेट करके हम इसको एक्सेप्ट करवा देंगे। इस तरह से आप देख सकते हो आउटपुट वेट आपको 7600 कैलकुलेट करके दिखा रहा है जो हमारे एग्जांपल में दिया हुआ है, यानी टोटल आपका हो रहा है 1,97,600। इस तरह से हम प्राइस लिस्ट बना सकते हैं न्यू कस्टमर और ओल्ड कस्टमर के लिए और इनबिल सेट कर सकते हैं। थैंक यू।